नाम क्या है तुम्हारा? एक्सक्यूज मी सर, हमें गेस्ट से बात करना अलाउड नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। नहीं, नहीं, क्या मैं ये ले सकती हूँ? मिस्टर कूपर, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं साफ कर देती हूँ। नहीं, रहने दो। अब तुम वीआईपी रूम जाओगी और इस आदमी के लिए डांस करोगी। मिस्टर कूपर, मैं ही नहीं कर सकती, मैं सिर्फ एक तो समझ लो तुम्हारी तरक्की का टाइम आ गया। कम ऑन मिस्टर कूपर, मैं ही नहीं कर सकती, मैं ये सब नहीं करती। नेली, ये आदमी तुम्हारे पूरे महीने की सैलरी सिर्फ 15 मिनट के डांस के लिए दे रहा है। तुम्हें पैसे की जरूरत है ना? हम उसे नाराज नहीं कर सकते। कम ऑन मिस्टर कूपर, मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, प्लीज। तो फिर तुम इस नौकरी को भी बाय बाय कर दो। नहीं, मुझे नौकरी से मत निकालो। तो जाओ और डांस करो उसके लिए। नौकरी की जरूरत है। लाना, इसे तैयार करो। जल्दी ही इस शख्स से मिलकर मुझे पता चलेगा कि डांस के अलावा मेरी और उसकी कहानी काफी मिलती जुलती है, क्योंकि यही वो शख्स है जो मेरे राज से पर्दा उठाएगा। मैं नेली हूँ और ये है मेरी लव स्टोरी। नजदीक आओ। मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रही हो? क्योंकि तुमने नाचने के पैसे दिए हैं, आंखों में देखने के नहीं। ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। हेलो नेली। एलेक्स, मुझे नाचना पड़ा एक बिगड़े हुए रईस के पैसे के लिए, लेकिन अजीब बात यह थी कि वही शख्स मेरा सबसे पहला प्यार था। उम्मीद तो थी कि हम कभी मिलेंगे, पर सोचा नहीं था कि ऐसे मिलेंगे। तो यही सोचा था ना तुमने कि तुम मुझे खरीद लोगे? ठीक है क्या? ठीक है। नहीं 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 नहीं, मैं तो बस अकेले में तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या है एलेक्स, किस बारे में बात करना चाहते हो? जो भी हमारे बीच हुआ था। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। 10 साल पहले तुमने मुझे छोड़ दिया था और मैं टूट गई थी, बस यही है हमारे बीच, समझ गए ना? I'm sorry. तुम बिल्कुल नहीं बदली। छोड़ो मुझे, जाने दो। अभी कितनी खूबसूरत हो। प्लीज एलेक्स। नेली, अगर मैं तुमसे कहूं कि अभी मुझ में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है एंड आई लव यू, तो? नहीं नहीं, ये सब झूठ है। मैं प्यार करती थी तुमसे, मैंने प्यार किया था। तुम नहीं समझे क्योंकि तुम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझसे आंख मिलाकर कह सकते कि तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था। हाँ बिल्कुल, तुम ना सही, वही काम तुम्हारे माँ बाप ने कर दिया। वो तो साफ सफाई करने वाली है, हमारे बेटे के लायक नहीं है। और देखो, वो सही भी थे, जैसा कि तुम देख ही रहे हो। एक वक्त था जब मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन जो मुझ पर बीती है उसके लिए अब मैं इसे माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। एलेक्स को मिलने के बाद मुझे खुद को संभालने में काफी वक्त लगा, पर क्या होगा अगर उसे मेरे उस राज का पता चल गया जो मैंने सालों से छुपा कर रखा था। यस मिस्टर कूपर। यू आर फायर्ड। क्या? तुम्हें क्लाइंट्स को घर ले जाना मना है। लेकिन मैं उसे घर नहीं लाई। झूठ मत बोलो मुझसे, तुम्हारे निकलते ही वो भी निकला। क्या तुम एक्स्ट्रा पैसे बनाना चाहती हो? पर मैंने कुछ नहीं। मुझसे झूठ बोलकर पछताओगी तुम। रुकिए, मुझसे क्या चाहिए? नेली प्लीज मेरी बात सुनो। सच में एलेक्स, मैंने बहुत साल अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े उठाने में लगाए, तब जाकर मैंने दोबारा जीना सीखा है, और अब तुम फिर से आ गए सब कुछ बर्बाद करने। नेली, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम गायब हो गई थी। बेशक मैं गायब हो गई थी, क्योंकि उस वक्त मैं तुम सबसे बहुत दूर जाना चाहती थी, तुमसे और तुम्हारे अमीर माँ बाप के
दिए हुए पैसों से भरे लिफाफों से भी, समझे? ले लो नेली, और प्लीज अब चुप रहना और इस बच्चे को गिरा देना। देखो, मुझे इस बारे में नहीं पता था। मैं एक बच्चा चाहता था, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, पर उन्होंने ये सब मेरे पीठ पीछे किया। और जब मुझे पता चला, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, पर तब तक तुम गायब हो। और आप बहुत देर हो चुकी है। पर नेली, प्यार में कभी देर नहीं होती। एलेक्स, नहीं, अब बहुत देर हो चुकी। तुम्हारी झेली हुई हर मुसीबत के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं जानती थी कि कहीं कुछ सही नहीं हो रहा था, लेकिन मैं उसकी तरफ खींचती चली गई। माँ, मेरी किताब कहाँ है? हेलो, ये कौन है? ये मेरे एक दोस्त हैं, और ये बस अभी जा रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? एलेक्स। और आपका? मैं भी एलेक्स हूँ। ये तो कमाल हो गया, तुमसे मिलकर खुशी हुई। और तुम कितने साल की हो? मैं कल 10 की हो जाऊंगी। अब ये मत कहना आप भी 10 के हो, मैं नहीं मानूंगी। Oh no, of course not. हनी, तुम जाके सो जाओगे, मैं अभी आती हूँ। ओके। क्या ये मेरी बेटी है? नहीं, ये सिर्फ मेरी है। देखो नेली, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। क्या मुझे तुम्हारे साथ अब हमदर्दी जतानी चाहिए? तो फिर मुझे अफसोस है एलेक्स। मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरा साथ देना चाहते थे, मैं कैसे जान सकती थी? लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत वक्त बीत चुका है। अब तुम बस चले जाओ यहां से। मैं अभी आई। चले जाओ यहां से। मैं चाहती थी कि ये सब खत्म हो जाए एक बुरे सपने की तरह, लेकिन सुबह होते ही मुझे अंदाजा हो गया कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. क्या हो रहा है यहाँ? ये सब एलेक्स ने किया है। सॉरी, मैं मना नहीं कर सका। मॉमी, मॉमी, आप मेरे बर्थडे पार्टी के स्पेशल गेस्ट हो, जल्दी से टोपी पहन लो। ओके हनी, जरा अपने कमरे में जाओ प्लीज, वहाँ तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है। ये I'm sorry, मैं खुद को रोक नहीं सका। कितनी प्यारी है वह। मैं जानती हूँ। वो मेरी तरह दिखती भी है। नहीं, वो बिल्कुल भी तुम्हारे या तुम्हारी फैमिली जैसी नहीं है, वो सिर्फ मेरी है। ओके, और अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, हमें अकेला छोड़ दो प्लीज। ठीक है, समझ गए? जैसा तुम कहो। ओके, मेरे कलरिंग बुक के लिए मुझे हेल्प चाहिए, क्या आप हेल्प करेंगे? बिल्कुल माय डियर, मैं हेल्प करूंगी। लेकिन मुझे एलेक्स की हेल्प चाहिए। मैं करूं? जरूर। तो क्या बनाना है हमें? यूनिकॉर्न्स, वाओ। तो चूज करो। ओह गुड, मैं ये वाला लूंगा। यूनिकॉर्न्स। उन दोनों को देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने आप को कितना भी क्यों ना समझा लूं कि मैं एलेक्स से प्यार नहीं करती या मेरी बेटी उसकी तरह नहीं दिखती, लेकिन वो सच तो नहीं था। इन दोनों से ज्यादा खूबसूरत मैंने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं देखा, और ऐसा लगता है कि मुझे एलेक्स और एलेक्स से बेइंतहा प्यार है। सुनो एलेक्स, स्वीटी, तुम्हारे लिए मेरे पास एक और स्पेशल प्रेजेंट है। वो क्या है? मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। लेकिन मैं एलेक्स को जानती हूँ। हाँ, लेकिन एलेक्स
तुम्हारी डैडी हैं। मेरे डैड? फिर तो आपको भी एक स्पेशल डैडी कैप पहननी पड़ेगी। सारे उन मुश्किल पलों के लिए जो तुम पर बीते। उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि जीवन में दो चीजें ऐसी हैं जिनके लिए कभी देर नहीं होती, क्षमा और प्रेम।